बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, जो भी मार्क्स है अल्लाह ताला की रहम से है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि 500 आउट ऑफ 500 होंगे, बट शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम से आ गए 500। मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा है और सब की फैमिली की, टीचर, डेफिनेटली टीचर्स की तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहती है। एकेडमिकली अगर सोचें तो डेफिनेटली मैं मिशनरी स्टूडेंट हूँ और डेफिनेटली सब टीचर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प रही ऑल ओवर ग्रूमिंग में, पूरी एकेडमिक हो या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बहुत ज़्यादा हेल्प रही डेफिनेटली। बहुत इंटरनेट नहीं था, 2G था, तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम थी, बट जो बेस्ट पार्ट था जो हमें मिशन ई फैकल्टी ने प्रोवाइड की थी कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हुई वो लाइव नहीं थी, एज इन हमारी कोई मीटिंग नहीं होती थी 8 to 2 या 8 to 3, हमें अपलोडेड लेक्चर्स वो लोग यूट्यूब पे अपलोड करते थे। तो एज अ रिज़ल्ट इंसान अपने, जब उसको टाइम मिलता था अपने हिसाब से, और एक क्वालिटी जो है वो उस बेसिस पे सिलेक्ट करके रख सकते थे। अलमाइटी अल्लाह हु मेक मी एबल टू अचीव दिस सक्सेस देन माय टीचर्स। सबसे पहले मैंने अपनी स्टडी जारी की है इसी गांव से, एक स्कूल है मॉडर्न पब्लिक स्कूल शालागांव, जहां के उस्तादीजा बहुत होनहार हैं, काबिल करम उस्तादीजा, खासकर मोहम्मद शाबान, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। और फिर 9th 10th मैंने सिरहमा, पिछला साल जो रहा वो बहुत टफ सा रहा है हमारे लिए, खासकर बच्चों के लिए, कि बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन 2G चल रहा था तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, इसके दौरान भी मैंने अपनी जो हार्ड वर्क जारी रखा। आई एम इशरत मुजफ्फर फ्रॉम ब्रेन निशात श्रीनगर, एंड पेपर्स बहुत अच्छे गए थे, आई एक्सपेक्टेड अ वेरी गुड रिजल्ट, बट इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऑब्वियसली आई थिंक कोई नहीं एक्सपेक्ट नहीं करता इतना, तो बट आई वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर आई सॉ माई रिजल्ट, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। एंड द थिंग आई डिड वॉज कि कंसिस्टेंसी थी, एंड चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, कंसेप्चुअली पढ़ा था, बेसिस क्लियर किए थे, और हार्ड वर्क ऑब्वियसली दैट्स बिहाइंड ईच एंड एवरी सक्सेस। आई थिंक दैट्स वेल बिकॉज 4G भी नहीं था, इट वॉज 2G, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट कनेक्टेड टू द क्लासेज, बट कंसिस्टेंसी एक चीज़ थी, एंड रिविजन्स, मल्टीपल रिविजन्स मैंने किए थे चीज़ों के, एंड चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा था, एंड आई मेड श्योर कि हर कोई टॉपिक, कोई भी टॉपिक छूटे ना, एंड मैं हर कोई चीज़ क्लियर करूँ, हर कोई टॉपिक क्लियर हो। दे वेर वेरी हैप्पी ऑब्वियसली, एंड दे ऑल्सो डिडंट एक्सपेक्ट कितना हो पाएगा, बट जब सुबह रिजल्ट आया, मुझे पता नहीं थी रिजल्ट आया, तो फ्रेंड्स ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो मुझे बिल्कुल भी मुझे लगा शायद गलत हो गया इनको, या इनने मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, तो फाइनली मैंने सबसे पहले पापा को फ़ोन किया, तो उनको बताया कि इतना इतने मार्क्स आए, तो वो बहुत खुश हो गए ऑब्वियसली। मैसेज आई वुड लाइक टू ड्रॉप हियर इज दैट आप वहीं करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि 10th के बाद यू आर बीइंग प्रेशराइज दैट आपको मेडिकल में ही जाना है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिकल देन एंड ऑनली गो फॉर इट, अगर किसी और स्ट्रीम में आपका इंटरेस्ट है, यू कैन डू बेटर और बेस्ट इन दैट स्ट्रीम, तो जो आपका इंटरेस्ट है आप उसी में करें, यू कैन डू वंडर्स इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। गर्ल्स आर आउट शाइनिंग बॉयज, एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है, देर आर सर्टन स्टिल सम फैमिली जो बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और गर्ल्स, बट आई थिंक गर्ल्स, आई कैन नॉट से कि गर्ल्स ज़्यादा बेटर है या बॉयज़ बेटर है, आई थिंक बोथ आर इक्वल, दिस नॉट इवन अ सिंगल डिफरेंस दैट मेक्स दम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जितनी कैपेबिलिटी एक बॉय में है उतनी एक गर्ल में भी है, एंड गर्ल्स का जितना रिजल्ट होता है वो तो सभी देखते हैं, गर्ल्स ही ज़्यादा आउट शाइन करते हैं देन बॉयज़। अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे चीज़ों में, अगर हम हर एक सोर्स को यूटिलाइज करेंगे, टाइम को यूटिलाइज करेंगे प्रॉपरली, अपने प्लान्स जो हमारे दिमाग में है कि इतना घंटे पढ़ना है, अगर हम वो करेंगे तो आई थिंक वो एक चीज़ है जो हम पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते। इनके लिए बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट दी एंड, अगर आप कहीं पे लैग कर रहे हैं तो ये जो लैग हम कर रहे हैं आई थिंक यही एक चीज़ है जो हमें आगे ले जाती है, एंड फेलियर्स जो है वही हमें आगे सक्सेस दिलाते हैं, ऐसी ऊंची सक्सेस जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होती है, तो वी शुड ऑलवेज टेक फेलियर एज अ पॉजिटिव पॉइंट, एंड उसको कभी अपने नेगेटिव पॉइंट नहीं लेना है। हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें ऑनलाइन क्लासेस सबमिट कर रहे थे, लेकिन 2G की वजह से हम वो भी हासिल नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली। जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने हमें ऑनलाइन मटेरियल सबमिट किया, जिसकी वजह से मैंने आज जो भी कुछ हासिल किया है अपनी टीचर्स की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, जिनने मुझे हमेशा इनकरेज किया। मेरे ब्रदर है और मेरी सिस्टर है और मेरी मदर है, उन्होंने मुझे हमेशा
उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि मैं कुछ अचीव करूं, मुझे कभी परसेंटेज का दबाव नहीं डाला कि मुझे इतनी परसेंटेज लानी है या ये अचीव करना है। उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि आप जितना कर सकते हो आप करो, वो हमेशा मतलब मेरे सपोर्ट में रहे। बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। मैं अगर मैं अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बोलूंगी, मैं सुबह 5 बजे उठती थी और 11 बजे खत्म करती थी। उस टाइम तक मैं कोई भी काम, मेरी जो हॉबीज थी सब कुछ मैंने स्किप कर लिया था, क्योंकि जो 12th का ईयर होता है बहुत ही क्रुशल ईयर होता है, हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने अपना सब कुछ जो था वो सब कुछ फोकस मैंने सिर्फ पढ़ाई पे रखा था और किसी पे भी मेरा ध्यान नहीं था।